हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आप सभी के लेसन नंबर फोर तक कंप्लीट हो गई हैं। लेसन नंबर फोर था हमारा डायरेक्शंस एंड मैप्स। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आज हम करेंगे लेसन नंबर फाइव, माई इंडिया। ये हमारी ऑक्सफोर्ड एडवांटेज से हम करेंगे लेसन नंबर फाइव। फर्स्ट है लेसन प्लान, फर्स्ट है हमारे लेसन प्लान। उसके बाद है फिर हमारी लर्निंग रिसोर्सेज। इसमें हमारे सभी लेसन प्लान्स के होते हैं। ये हमारी लर्निंग रिसोर्सेज है। इसमें हमारी एनिमेशन दी हुई होती है, देखिए। ये अभी स्टार्ट हो जाएगी। बस ये पीडीएफ है, तो ये एनिमेशन है इस लेसन की। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक। ये देखिए, क्वेश्चन बैंक में आपको ऑल टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें एमसीक्यू, ये देखिए। फिर हम लेसन सेलेक्ट करेंगे अपना। ये देखिए, इसमें ये सभी क्वेश्चंस दिए होते हैं। शॉर्ट आंसर हैं, जैसे इसमें हम आगे जाएंगे। इसमें भी देखिए बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं। आप बोलते हो कि मैम ये क्वेश्चन बुक में तो नहीं है, तो ये देखिए सभी हमारे लेसन के बीच में से सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो ये एमसीक्यू हैं, देखिए इधर। ये देखिए हमारे कितने सारे क्वेश्चन बैंक में, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप सभी को ये अच्छे से लर्न करने हैं। फिर बेटा टेस्ट हम यहाँ से आपके लिए टेस्ट भी जनरेट कर सकते हैं और आपको सेंड कर सकते हैं। तो आपको टेस्ट भी इन्हीं क्वेश्चंस में से हम टेस्ट क्रिएट करके आपको सेंड कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा माई बुक। हम माई बुक, तो माई बुक बेटा हम ओपन करेंगे अपनी। क्लास थर्ड, चैप्टर नंबर फाइव। तो चैप्टर नंबर फाइव हमारा माई इंडिया। माई इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? पता है बेटा? न्यू दिल्ली। तो ये बेटा हमारा लेसन नंबर फाइव। तो इसमें हम थिंग्स टू लर्न, इस लेसन में हम क्या सीखेंगे आज, देखिए। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, और सेकंड है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में और पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इनके बारे में आज इस लेसन में हम देखेंगे। बिग इंडिया, आवर कंट्री हैज़ यूनिक फिजिकल फीचर। जो हमारा इंडिया है बेटा, उसके बड़े अजीब फिजिकल फीचर हैं। उन सभी फिजिकल फीचर्स के बारे में हम इस लेसन में देखेंगे कि फिजिकल फीचर क्या होते हैं। फिजिकल फीचर्स आप क्या समझती हैं, वो हम आगे रीड करेंगे इसमें। लेट्स गो, तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी होती है। लेट्स गो, आइए इसको देखते हैं किसमें क्या बताया, और फिर आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपको करने हैं। नेहा एंड फरा वर बेस्ट फ्रेंड्स। नेहा और फरा जो बहुत अच्छे दोस्त हैं। दे हैड मैनी स्टोरीज टू शेयर अबाउट देयर विजिट टू डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग देयर समर वैकेशन। वे उन्होंने जब उनकी समर वैकेशन होती है तो उन्होंने बहुत सारी जो कहानियाँ हैं डिफरेंट प्लेसेस की वो आपस में शेयर कर रही हैं। जैसे कि आप सभी जब आपकी समर वैकेशन होती है तो आप सभी भी कहीं ना कहीं तो घूमने जाते ही हैं। तो आप फिर जब आप वापस स्कूल में आते हैं तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं ना, भैया हम वहाँ गए थे, हमने वहाँ पे देखा ये चीज़ देखी, हमने वहाँ पे ये चीज़ देखी, कई टेम्पल्स हैं, कोई रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, इन सब के बारे में आप डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही वो नेहा और फरा भी आपस में डिस्कस कर रही हैं।
प्रा सेट प्रा कहती है आई वेंट टू दार्जिलिंग विद माई फैमिली, कि वो कहाँ गई थी अपने परिवार के साथ दार्जिलिंग, आई स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड टीप प्लांटेशन, उसने वहाँ पे क्या देखे थे, बर्फ से ढके हुए पहाड़ और टी प्लांटेशन होता है चाय, जो चाय होती है उसकी खेती। द वेदर वाज प्लेजेंट, मौसम बहुत अच्छा था वहाँ पे। बट अबाउट यू, वो पूछते नहीं आते, तुम बताओ वेर डिड यू गो, नेहा नेहा तुम कहाँ गई, नेहा रिप्लाइड आई वेंट टू अमृतसर, नेहा कहाँ गई, अमृतसर गई थी। ऑन माई वे आई सा क्रॉप्स ग्रोइंग ऑन लार्ज फील्ड्स एंड स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देम, उसने वहाँ पे क्या, उसने क्या देखा रास्ते में, उसने देखा क्रॉप्स ग्रोइंग, फसलें को उगाते हुए एक बड़े फील्ड्स पे, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग, बड़ी बड़ी जो नदियाँ वहाँ पे बहते हुए देखा उसने। बट देयर वर नो माउंटेन्स, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं थे, कोई भी माउंटेन्स नहीं था। फ्रा ओपन एटलस एंड सेड, फ्रा अपनी एटलस ओपन, एटलस क्या होती है, बुक ऑफ मैप्स, ओपन करती है और कहती है लुक एट द मैप हियर, या मैप देखो, इट शो दैट देयर आर नो हाई माउंटेन्स इन पंजाब, ये पंजाब में क्या नहीं है, ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं हैं। बट मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द स्टेट, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। फ्रेंड ने इन्वाइटेड ईच अदर टू देयर हाउस टू लुक एट द पिक्चर्स ऑफ देयर ट्रिप एंड टॉक अबाउट अदर थिंग्स, जो है वो एक दूसरे को अपने घर इन्वाइट करती है, जो ट्रिप की जो उनकी पिक्स थी वो एक दूसरे को दिखाने के लिए और दूसरी चीज़ों के बारे में बातें करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर वन है बेटा हमारा, विच टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स वर डिस्कस्ड इन द स्टोरी, इस स्टोरी में किस लैंड फॉर्म के में डिस्कस करे थे, किस के बारे में किया, माउंटेन्स के बारे में, हाई माउंटेन्स के बारे में डिस्कस किया ना उन्होंने, तो उन्होंने किसके बारे में डिस्कस किया, कि लैंड फॉर्म्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स, फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एन एटलस वेयर अमृतसर एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड, तो बेटा ये क्वेश्चन आपको करना है मैप की हेल्प से, कि अमृतसर और दार्जिलिंग कहाँ है। ओके अब है नेक्स्ट, लेसन स्टार्ट करते हैं, माई इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, हम स्टडी करेंगे पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, कि जो भारत है उसका विभाजन, वो कैसे बटा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए जो आपका घर है उस, मान लीजिए आप जो आपका घर है उसके पड़ोस में कौन है, आपका घर कितना बड़ा है, कैसे है, ऐसे एक जैसे घर के बारे में हम देखते हैं, तो वैसे आज हम अपने इंडिया के बारे में देखेंगे, कि हमारा इंडिया कहाँ है, क्या इसके नेबर्स कौन है, कहाँ तक फैला हुआ है, इसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, इसके फिजिकल फीचर्स है, जो उन सभी के बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड, जो भारत है इंडिया बेटा वो वर्ल्ड में सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है। इट हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पर यह है वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे है। पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या, जैसे ऑल द पीपल लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया और कंट्री, एक पार्टिकुलर एरिया में जब सभी लोग इकट्ठे रहते हैं या किसी देश में, तो वो क्या होती है, पॉपुलेशन होती है। ओके, इंडिया इज सराउंडेड बाय 8 नेबरिंग कंट्रीज, जो भारत है बेटा वो उसके जो नेबरिंग है, पड़ोसी देश हैं, वो कितने हैं, 8 नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया के, जो उसके चारों ओर हैं। दीज आर कौन कौन सी हैं, वो श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इन सभी के नेम आपको लर्न करने हैं। दीज कंट्रीज आर इंडियाज नेबर्स, ये सभी ये जो 8 कंट्री हैं, ये सभी क्या हैं, इंडिया के नेबर्स, भारत के पड़ोसी देश हैं। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, भारत एक बड़ा देश है जैसा कि आपको पता है। हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू द मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री,
जैसे कि आपको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसको सभी ऑर्डर या जो भी लॉ है उसको मेंटेन करने में देश के सभी भागों में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। तो फिर तब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, देयर फॉर द कंट्री हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू स्मॉलर रीजन्स कॉल्ड स्टेट्स। तो जो हमारे देश को किसमें छोटे छोटे क्षेत्र में, जिसे हम क्या कहेंगे स्टेट्स कहते हैं, राज्य, उसमें डिवाइड कर दिया। देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। कितने स्टेट्स बेटा? 28 स्टेट्स। द स्टेट्स आर रूल्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। जो उनकी राज्य सरकार होती है वे उनको आसानी से उनको चला सकती है, उन पे कर सकती है। देयर आर 8 यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया। यूनियन टेरेटरीज कितने बेटा? 8 यूनियन टेरेटरीज हैं। यूनियन टेरेटरीज होते बेटा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इन इंडिया। यूनियन टेरेटरीज आर गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यूनियन टेरेटरीज हैं उनको कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, जिसको हिंदी में बोलते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट चैप्टर। गवर्नमेंट के बारे में बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर में डीपली स्टडी करेंगे। ये बेटा हमारा इंडिया है, ये देखिए इसमें ये सभी दिए हुए हैं। देखिए ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये श्रीनगर, ये सभी, ये पंजाब, चंडीगढ़, देहरादून, राजस्थान, गुजरात, गांधीनगर, ये सभी कैपिटल्स भी दी हुई हैं। और इंडियन यूनियन टेरेटरीज भी इसमें दिए हुए हैं सभी, ओके। ये देखिए म्यांमार, ये राइजर, झारखंड, रांची, भूटान, ये सब हमारे जो पड़ोसी देश थे। ये चाइना है। तो ये आपने अच्छे से इसको मैप को देखना है। नेक्स्ट है बेटा लेट्स एक्सप्लोर में फाइंड आउट विच वॉज द मोस्ट रिसेंट स्टेट फॉर्म इन इंडिया, राइट डाउन इट्स नेम। ये आपने ये आपके लिए है, ये आपने करना है, पता लगाना है आपको ये। फाइंड आउट विच द मोस्ट रिसेंट स्टेट फॉर्म इन इंडिया, जो रिसेंट में स्टेट बना है उसका आपको नेम राइट करना है। अब हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, कि भारत का जो फिजिकल फीचर हैं उनके बारे में हम देखेंगे, कि भारत में माउंटेन्स, हिल्स, वैली, जो इनके बारे में हैं वो स्टडी करेंगे, देखेंगे अभी। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, देयर आर मैनी लैंडफॉर्म्स ऑन आवर अर्थ। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी क्या है, लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वैलीज हैं, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट हैं, कोस्टल प्लेन्स एंड आईलैंड्स हैं। सब देखा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि भी हर जगह है जो है लैंड है वो बिल्कुल भाई एक जैसी प्लेन है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं हिल्स हैं, कहीं वैलीज हैं, कई प्लेट्यूज हैं, कई डेजर्ट और कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया आर नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, साउथर्न प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। जो मेन फिजिकल डिविजन है भारत के वो कौन कौन से हैं? नॉर्थन माउंटेन्स हैं, नॉर्थन प्लेन्स हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, साउथर्न प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। लेट अस नाउ रीड अबाउट द लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया। आइए अब इन लैंड फॉर्म्स के बारे में इनको रीड करते हैं। फर्स्ट है द नॉर्थन माउंटेन्स। द नॉर्थन माउंटेन्स, मोस्ट ऑफ द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाई ए लार्ज माउंटेन रेंज कॉल्ड द हिमालयाज। जो भारत का जो नॉर्थन पार्ट है वो किससे घिरा हुआ है? बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स रेंज से, जिसको हिमालय रेंज होती है, श्रृंखला बेटा, पर्वतीय श्रृंखलाएँ हिमालयाज की, उससे घिरा हुआ है।
द वर्ड हिमालय मीन्स द होम ऑफ स्नो. हिमालय हिम जैसे जिसको हम अलग करेंगे हिम जमा आलय. हिम क्या होती है बेटा आइस और आलय होता है होम. द वर्ड हिमालय मीन्स होम ऑफ स्नो बर्फ का घर. द हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ. इस जो हिमालयाज बेटा वो नॉर्थ में लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंड है फैला हुआ है. रिवर्स सच एज गंगा यमुना इंदू एंड ब्रह्मपुत्र आर फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज. ग्लेशियर्स ए लार्ज मास ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय स्नो ऑन माउंटेन्स. ग्लेशियर होता है बेटा जो एक बहुत मात्रा में बर्फ होती है ठीक है. ग्लेशियर्स जो हिमालय फॉर्म्ड बाय स्नो जो हिमालय स्नो किससे बनती है जो माउंटेन्स पर जो आइस होती है उससे बनती है ग्लेशियर स्नो से. जो रिवर हैं गंगा यमुना इंदू ब्रह्मपुत्र ये सब जो हिमालयस पर स्नो होती है वो मेल्ट होती है तब उसे ये सब नदियाँ फ्लो होती हैं गंगा यमुना इंदू और ब्रह्मपुत्र. द हायर रेंज ऑफ हिमालयस आर रॉकी एंड मोस्टली कवर्ड विद स्नो. जो देखिए जो ये जो हायर जो ये ऊपर वाली ये जो ये रेंज है हिमालय की ये क्या है रॉकी चट्टानी है मोस्टली कवर्ड विद स्नो और बर्फ से ढकी रहती है. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन द हिमालय. जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है पीक है जो माउंट एवरेस्ट वो कहाँ है हिमालयस पर है. नेक्स्ट है नॉर्थन प्लेन्स. नॉर्थन प्लेन्स टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालय. जैसे हिमालय के साउथ की तरफ जाते हैं लाइज अ वेस्ट एरिया ऑफ फ्लैट लैंड. एक जो बहुत बड़ा भाग है इस हिमालय का वो क्या है बिल्कुल फ्लैट है समतल लैंड है. दिस वेस्ट एरिया इज कॉल्ड नॉर्थन प्लेन्स. इसको हम क्या कहेंगे नॉर्थन प्लेन्स. दीज प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द रिच सोइल डिपॉजिट बाय द हिमालयाज रिवर. ये जो प्लेन्स है कैसे बनते हैं बेटा जो हिमालय के जो नदियां हैं जो स्नो मेल्ट होके ये देखिए जो ये स्नो होते हैं मेल्ट होते हैं तो ये रियासी जो ये रिवर बन जाती है. तो जो ये अपने साथ जो सोइल लेके आती हैं तो उनसे ये मैदान बनते हैं प्लेन्स बनते हैं. द रिवर्स फ्लो डाउन द माउंटेन्स एंड कैरी फाइन सोइल विद देम. जब ये नदियाँ पर्वतों हिमालय से जब ये मेल्ट होके जब नदियाँ बनती तो हमें साथ क्या लेके आती हैं बहुत सारी सोइल लेके आती हैं. ड्यूरिंग देयर कोर्स दिस रिवर्स डिपॉजिट द रिच एंड फाइन सोइल कॉल्ड सिल्ट. इन्हें क्या कहते हैं सिल्ट कहा जाता है. सिल्ट मेक्स द सोइल फर्टाइल एंड सूटेबल फॉर ग्रोविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स. ये जो है मिट्टी को क्या करती है फर्टाइल बनाती है और ग्रोविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स और फसलों जो कि फसलों के लिए बहुत ही जो डिफरेंट टाइप्स जो फसलें होती हैं उन सब के लिए सूटेबल होती है. नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. डेजर्ट के बारे में आपने सुना होगा मरुस्थल रेगिस्तान. तो आइए देखते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट. टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जो भारत का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वो ग्रेट इंडिया वो डेजर्ट है. इट इज़ आल्सो नोन एज अ थार डेजर्ट. इसको हम किस नाम से जानते हैं थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ ए वेस्ट ड्राई एरिया विद सैंड दैट कवर्स मोस्ट पार्ट्स ऑफ राजस्थान. इसका एक बहुत बड़ा भाग है जो वो रेत से कवर होता है सैंड सैंड होता है बेटा बालू रेत इससे कवर होता है जो कि कहाँ है राजस्थान में. थार डेजर्ट गेट्स लिटल रेनफॉल एंड देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर. आप सभी को पता है कि जैसे कि डेजर्ट में बारिश है जो बहुत बहुत लिटल होती है और वहाँ पर पानी की कमी होती है. प्लांट्स विच कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन सच एज डेट पाम एंड कैक्टस आर फाउंड इन द डेजर्ट रीजन. जो पौधे होते हैं वो वहाँ इस कंडीशन में सूखे में ही अपना जो है वो सर्वाइव करते हैं. जो यहाँ के जो
प्लांट्स हैं वो डेट है, पाम है, कैक्टस है, वो डेजर्ट रीजन में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है साउथर्न प्लेट्यू। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया यू विल नोटिस दैट साउथर्न पार्ट इज़ द पेनिनसुला। जब आप देखो भारत का मैप जब आप देखोगे तो आप नोटिस करोगे जो भारत का जो साउथर्न पार्ट है वो क्या है, पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है बेटा, ए पेनिनसुला इज़ एन एरिया विच इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड्स एंड इज अटैच टू ए पीस ऑफ लैंड ऑन वन साइड। पेनिनसुला होता है बेटा जो तीन साइड से, थ्री साइड से पानी से घिरा हुआ होता है, और जो उसका वन साइड है वो किससे अटैच होता है, लैंड से। इंडिया इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन सी। जो भारत है वो किस किस से सराउंड है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। अब आपको ये मैप लोकेट दिस प्लेसेस ऑन ए मैप ऑफ इंडिया, आपको ये पता इनका पता लगाना है मैप पर, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन। द साउथर्न प्लेट्यूज कवर्स मोस्ट ऑफ द प्लेन पेनिनसुला रीजन। जो भी साउथर्न प्लेट्यूज ने मोस्टली पेनिनसुलर क्षेत्रों को रीजन को कवर कर रखा है। इट कंसिस्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, द मालवा प्लेट्यू एंड द दक्कन प्लेट्यू। इसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू और दक्कन प्लेट्यू भी शामिल है। द दक्कन प्लेट्यू इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। जो दक्कन प्लेट्यू बेटा, दक्कन का पठार जो जिसे हम कहते हैं, वो भारत का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्रू दिस प्लेट्यू इनटू द बे ऑफ बंगाल। इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो इस पठार से होकर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाई अ रेंज ऑफ हिल्स कॉल्ड घाट्स। दक्कन प्लेट्यू है बेटा वो किसे घिरा हुआ है, रेंज ऑफ हिल्स, इसको हम क्या कहते हैं, घाट। टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, जब हम ईस्टर्न साइड की तरफ जाते हैं, दिस रेंज इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स, तो उसे क्या कहेंगे, ईस्टर्न घाट्स। एंड टू द वेस्ट लाइज द वेस्टर्न घाट, और जब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो उसको क्या क्या कहेंगे, वेस्टर्न घाट्स। द विंध्य एंड द सतपुड़ा रेंज लाई टू द नॉर्थ ऑफ द प्लेट्यू। जो विंध्या और सतपुड़ा जो रेंजेज है वो कहाँ है, प्लेट्यू नॉर्थ में। दिस रेंजेज सेपरेट द दक्कन प्लेट्यू फ्रॉम द नॉर्थन प्लेन्स। ये जो रेंज आई है ये दक्कन प्लेट्यू को नॉर्थन प्लेन से सेपरेट करते हैं। डिड यू नो द वर्ड दक्कन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड दक्षिण विच मीन्स साउथ। आपको पता है जो दक्कन वर्ड है संस्कृत संस्कृत भाषा के दक्षिण वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब क्या है, साउथ। नेक्स्ट है बेटा कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स, साउथर्न प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द फ्लैट लैंड ऑन बोथ साइड्स। ये साउथर्न प्लेट्यू है जो ये दोनों दोनों साइड से फ्लैट लैंड एंड फ्लैट लैंड से घिरा हुआ है। दिस एरिया इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन्स। इस एरिया को, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स। इट इज़ वेरी फर्टाइल, ये बहुत ही उपजाऊ है। दिस क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल प्लेन्स इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। जो बेटा यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सारा साल माना तो इतनी अधिक ठंड होती है और ना ही हॉट गर्मी होती है। देर आर टू कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। टू टाइप्स के बेटा कोस्टल प्लेन्स, एक तो है ईस्टर्न और सेकेंड है वेस्टर्न। आईलैंड्स, नेक्स्ट हमारा आईलैंड। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आईलैंड। वह क्षेत्र, पृथ्वी का वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, आईलैंड। द लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द टू मेन आइलैंड्स ऑफ इंडिया। भारत के जो हैं वो इंडिया के टू मेन आइलैंड है, कौन से बेटा, लक्षद्वीप आइलैंड्स, सेकंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। द लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कहाँ है, अरेबियन सी, अरब सागर। एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। जो दूसरा बेटा अंडमान एंड निकोबार वो कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में।
ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा।